दरगाह में हम लोग हाजिरी में थे, वहाँ पे अफ्तारी के बाद में मेरी बच्ची लापता है। कितने बजे की बात है? ये शाम को 7:07 पर फुटेज में आया था, 7:07 पे फुटेज में देखा गया कि बाहर लेके गए मेरी बच्ची को। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं फिलहाल बुलंदशहर खुर्जा से। क्या नाम है? मेरे बच्चे का जिया नाम है। अजमेर रहने आप? जी, मैं 1.5 महीने से अजमेर में हूँ। सर मुझे तो नहीं पता, लेकिन क्या कहते हैं, मेरे को ना जब से मैं अजमेर आई थी तब से धमकियाँ आ रही थी, बहुत बार धमकियाँ आ रही थी। रात रात को 10-10 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 3 बजे अलग अलग नंबरों से फ़ोन आ रहे थे मुझे, है ना, कि तुम जहाँ हो जैसे हो वैसे ही करो, अगर तुमको ज़रूरत हो तो हमारे पास आ जाओ। मेरे पति के दोस्त लोग मुझे फ़ोन कर करके गंदे गंदे बोलते थे। जब मैंने रिकॉर्ड करने के लिए कोशिश की तो मेरे छोटा सा फ़ोन है, मेरे पास ये फ़ोन है छोटा सा, इसमें मैंने सिम वो डालने की चिप डालने की कोशिश की तो मेरे चिप भी ख़राब हो गई, इसमें से सारे नंबर उड़ गए, जो रिकॉर्डिंग थी वो सब ख़त्म हो गई। कौन है आपके पति? तो मेरे पति का प्रवीण अग्रवाल नाम है। वही करवा रहे हैं आप उनको? मुझे तो लगता है क्योंकि उनकी उनकी गर्लफ्रेंड है अंजलि नाम है, उसने मुझसे कहा था कि आप हमें हमारे बच्चे दे दो, वो छोटी वाली बच्ची मुझे दे दो। मेरे पति ने भी छोटी वाली बच्ची की मांग की थी, तो मैंने कहा था मैं बच्चा अपना नहीं दूंगी, जब तुमने दूसरा तुमको चाहिए तो तुम दूसरी औरत कर रख लो और दूसरा बच्चा पैदा कर लो। जी हाँ, तांत्रिक केस मेरे साथ 15 साल हो गए। मैं एक बार पहले भी पागल कर दिया गया था, मुझे कपड़े उपड़े फाड़ने लग गई थी पूरी तरह से, तो मुझे रुड़की क्या कहते हैं रुड़की दरगाह से कलियर शरीफ से मैं ठीक हो गई थी। उसके बाद में फिर 4 साल से मेरे घर में अलग अलग चीज़ें नज़र आती है, पूरा सामने दिखता है और आवाज़ें आती हैं, क्या क्या बातें करता है वो सब समझ में आता है। मैं मेरे हस्बैंड को कई बार कहीं कहीं लेके भी गई, तो मेरे हस्बैंड मुझे अलग छोड़ करके उससे तांत्रिक से अलग से बात कर लेते, वो बदल जाता है। फिर मैंने दरगाह के लिए मेरे को कल यहाँ से सपना मिला, क्या कहते हैं कि तुम यहाँ का अजमेर शरीफ का, तुम अजमेर शरीफ आओ, अजमेर शरीफ आओ। फिर मैंने किसी को मैं अलग से दिखाती थी तो उनसे मैंने वो दोनों बोला आप अजमेर शरीफ जाओ। फिर मैंने घर में भी दिया वगैरह रखा, उससे आराम पड़ा, लेकिन फिर मैं दरगाह शरीफ आई। जब से आई तो यहाँ मेरे बच्चों ने, तीनों बच्चों ने मेरे खून की उल्टी की, लेटरिन की, खून की, मेरे बेटे के पेट में से हड्डी का टुकड़ा निकला, इतनी बड़ी हड्डी का टुकड़ा निकला।
मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि मैंने उनके दोस्त ने बोला कि ये जाएगा। मैंने को बोला पैसे वैसे नहीं। मैंने कहा इसने इन्होंने एक महीने से पैसे नहीं भेजे। जिस इंसान ने एक महीने से फ़ोन नहीं किया, एक महीने से पैसे नहीं, आप पैसे भेजेगा तो क्या। मैंने कहा आपके बच्चे इतनी इतनी प्रॉब्लम में, एक बार आ करके आप इलाज करा लो, दिखा लो। तो मेरे आदमी ने बोला कि मैं बात करके बताऊँगा। उसके बाद उन्होंने फिर क्या कहते, रात में दो बार मेरे पास इनके दोस्तों का फ़ोन आया। फिर मतलब उन्होंने, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मैंने कहा कि मैं आपको फ़ोन नहीं करना चाहती, आप मेरे से ये गंदे गंदे फ़ोन कराना बंद कर दो, अपने तीन बच्चे, मैंने कहा गंदे गंदे फ़ोन करवाना बंद कर दो, मैं हाथ जोड़ती, मैं आज के बाद आपको कोई फ़ोन नहीं करूँगी। तो उसके बाद से उन्होंने मुझे बोला आज के बाद तेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आएगा। उसके बाद ना वो फ़ोन किए, ना वो मतलब किसी उनके किसी दोस्तों का भी फ़ोन नहीं। मुझे तो पता नहीं पति पे ये कि किसी पर नहीं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं। मैं किसी पर झूठा, आशा अग्रवाल नाम है मेरा।